सिट डाउन। आज हम इस नए सेशन में अपने किताब आओ सीखें विज्ञान का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस लेसन को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी घटना बताएंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते हैं, सड़कों पर भी देखते हैं। एक बार की बात है कि जैसे हम लोग कहीं जा रहे थे तो एक आदमी स्कूटर को स्टार्ट कर रहा था, बार बार उसको किक लगा रहा था। आपने किक लगाते हुए देखा है? आप जानते हैं स्कूटर कैसा होता है, स्टार्ट करने से पहले किक लगानी पड़ती है, मतलब पैर से उसको नीचे करना पड़ता है। जब उसने 10-15 बार किक लगा दी लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसने क्या किया कि वहां पर एक स्कूटर ठीक करने वाला लड़का था, पास में दुकान थी, उसको बुलाया और बोला देखो मेरी स्कूटर नहीं ठीक हो रही। उसने आते ही कहा सर इसके तो प्लग में कार्बन आ गया होगा। तो हम लोग वहां खड़े थे तो हम लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हो गया। उसने स्कूटर खोला, उसमें से एक यंत्र निकाला और उसके ऊपर काले रंग का एक पदार्थ चिपका हुआ था। क्या चिपका हुआ था? काले रंग का एक पदार्थ चिपका हुआ था और उसने कहा ये कार्बन है। तो क्या आपने इस शब्द को, कार्बन को, पहले कभी सुना है? कार्बन शब्द को पहले कभी नहीं सुना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोगों ने कार्बन शब्द ही ना सुना हो। जो बच्चा 7वीं पास करके 8वीं में आए हैं वो सब जानते हैं कार्बन क्या है, सबने सुना है। काले रंग का वो पदार्थ क्या था? मतलब उस प्लग के ऊपर कार्बन आ गया था। अच्छा, जब स्कूटर चलती है तो क्या होता है? धुआं निकलता है। पेट्रोल से कोई भी चीज चलती है तो धुआं निकलता है और धुआं किस रंग का होता है? काला। मतलब उसमें कार्बन होता है, मतलब उस मशीन के ऊपर, उस यंत्र के ऊपर कार्बन चिपक गया जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो। जब उसने कार्बन को रेग माल से रगड़ के साफ किया, उसको फूक मारी, उसको हटाया तो फिर से स्कूटर स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कार्बन उसके अंदर था। मेरा ये घटना बताने का केवल इतना सा उद्देश्य था कि आज जो हम लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम भी क्या है? कार्बन। क्या नाम है? कार्बन और उसके यौगिक। अब आप जो सब लोग 7वीं में पढ़ के आए हो तो आप लोग मुझे बताओगे कार्बन को किस लेटर से इंग्लिश के लिखा जाता है, इसका संकेत क्या होता है? सी, ओनली सी। जब भी मैं सी लिखूंगी, कैपिटल सी, इसका मतलब कार्बन। अब आप समझेंगे कि हमने कार्बन का नाम सी रख दिया, रासायनिक भाषा में इसको सी के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं हमारे पूरे पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में जो खोज हुई है उसमें कितने तत्व हैं? कितने तत्व हमने खोज लिए हैं? सब भूल गए? 107। कितने? 107। उसमें कार्बन भी है ना? कार्बन सबसे ज्यादा 92 तत्व जो किसी से यौगिकों के रूप में हमें इस पृथ्वी पर मिलते हैं, उसमें 92 में तो कार्बन ही होता है, उसका मुख्य तत्व होता है। तो इसका मतलब कि पृथ्वी पे कार्बन सबसे ज्यादा है कि नहीं है? है, मानते हैं? टोटल कितने तत्व हैं? 107 तत्व हैं। इसमें 92 तत्वों में, तत्वों और उसके यौगिक में मुख्य भाग कार्बन का होता है। और ये शब्द कार्बन, ये हिंदी तो नहीं है? है हिंदी शब्द है? तो ये किस भाषा से लिया गया और इसका नाम कार्बन कैसे पड़ा? इसका नाम लैटिन भाषा, रोम की लैटिन भाषा से लिया गया। लैटिन भाषा में कार्बन को क्या कहते हैं? जैसा कि रसायन की भाषा में हम लोग जो इसकी नामावली करते हैं उस शब्द के पहले अक्षर से करते हैं, तो अगर हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो सी से शुरू होगी, इसीलिए इसका नाम सी।
कार्बन को लिखेंगे तो सी से शुरू होगा, कैसे होगा? तो कार्बन इसका पहला, इसीलिए इसका संकेत सी कहलाया। अच्छा, कार्बन को हम अपने वातावरण में कई रूपों में देखते हैं। देखते हैं सबसे साधारण रूप कार्बन का जो रोज देखते हैं वो बताओ, क्योंकि हम लोग स्कूल में बैठे हैं, है ना, इसीलिए हम लोग सबसे पहले, अब सब बच्चे अपने किसी कॉपी पर उससे एक लाइन खींचो। खिंच गई, ये देखिए ये क्या है। अच्छा, पेंसिल तो किस चीज से बनी है? लकड़ी से। लेकिन लकड़ी के अंदर जो काले रंग की लीड पड़ी हुई है, काला रंग छोड़ रही है, छोड़ रही है, तो ये काला पदार्थ इसका नाम कौन बताएगा, क्या कहलाता है? खड़े होके बताओ, ग्रेफाइट। वेरी गुड, इसका नाम क्या है? और जिनके पास छीली हुई पेंसिल है उसके नोक को छू के देखो, मुलायम है, चिकनी है, और उसको अपने हाथ पे काला रंग छोड़ रही है, हाथ पे काला रंग छोड़ रही है, इसका मतलब जो ये ग्रेफाइट है एक बहुत ही चिकना पाउडर है जो कहीं पर भी चलाने से काला निशान छोड़ देता है। तो आज हमने अभी कार्बन का एक पहला रूप देखा, क्या देखा? ग्रेफाइट। ये किस में होता है? पेंसिल की नोक में कार्बन का रूप है ग्रेफाइट। आप लोग समझते होंगे कि कार्बन तो ऐसा ही होता है, मतलब कि मुलायम। क्या सारे कार्बन मुलायम होते हैं? अब मैं आपको कार्बन का इसी से मिलता जुलता दूसरा रूप दिखाऊंगी जो आप लोग समझ में नहीं पाओगे कि वो भी कार्बन है। ये क्या है? रिंग, अंगूठी है। इस अंगूठी में आपको दो डायमंड्स दिखाई दे रहे हैं, हीरे, हीरे दिखाई दे रहे हैं। ये हीरा भी कार्बन है। क्या है ये? क्या किसी को विश्वास हो रहा है? किसी को नहीं विश्वास हो रहा ना, कि कहाँ तो ये इतना सस्ता सा जो ग्रेफाइट इसके अंदर काले रंग का। और दूसरी ये बात कि अगर मैं इस अंगूठी से डायमंड की ऐसे लाइन खींचती हूँ तो काला नहीं हुआ, तो ये फिर कार्बन कैसे है? ये कौन समझाएगा? कोई बता सकता है? नहीं, अभी ये आपके समझ में नहीं आया क्योंकि अभी हमने कार्बन की या किसी पदार्थ की परमाणु संरचना नहीं देखी है। ये हम लोग बाद में बताएंगे, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कार्बन जिंदा और मृत, लिविंग और नॉन लिविंग, दोनों चीजों में उपस्थित होता है। होता है कि नहीं? हम लोग प्रूव कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि जिंदा में भी है और मरे हुए में भी है, बता सकते हैं? तुम लोग जिंदा हो, तुम्हारे अंदर कार्बन है? है। अच्छा, मान गए हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि है? बॉडी को जलाएंगे? कौन जलाएगा अपनी बॉडी? ऐसे तो कोई नहीं, लेकिन हाँ, जब हम लोग घर में खाना बनाते हैं या हमारा हाथ जरा सा भी जल जाता है तो वो चीज काली, उसका ये प्रूव है। लेकिन ऐसे कोई करके तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो मृत चीजें हैं उनसे तो किया जा सकता है, उनको तो जला के देखा जा सकता है कि वो सच में कार्बन से बनी है कि नहीं। अच्छा, अब पहले तो पंखा बंद करिए, और ये आप सब लोग देख रहे हैं क्या है? मोमबत्ती है। अब ये देखिए क्या जल रहा है, पीली पीली लकड़ी। देखो इसका कलर हो रहा है, घबरा गए क्या? गया? ये क्या है? कागज। ये क्या है?
साधारण कागज, छूके देखो कागज है क्या है ये कागज, क्या ये कार्बन से बना है? लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं, जला के देखते हैं कि ये किससे बना है। पीछे करो, देखिए इसको फेंकना नीचे। जलने दो जलने दो जलने दो, पूरा काला हो जाने दो। बेटा एक एक मिनट, इसको किसी वो इस पे उठा लो। अभी मैंने एक कागज को, इसको बंद करो, जलाया, वो किस रंग का था? ऐसा था ना, सफेद, और जलने के बाद छू के देखो, हाथ देखो, अब अपना हाथ देखो, काला हो गया। समझ में आया ये क्या था? कागज सफेद, और जलने के बाद, जलने का जो ये टेस्ट होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिंदा और मृत दोनों पर हम बराबर रूप से कर देख सकते हैं कि कोई भी जिंदा चीज, चाहे और मरी हुई या मृत नॉन लिविंग थिंग, सब में कार्बन अवश्य होता है। हमारी जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना है, उस कोशिका में भी कार्बन है, समझ रहे हैं? जो साइटोप्लाज्म है, जितने भी उसमें है, वो सब में कार्बन है। अच्छा, अब आप एक साधारण सी मुझे बात बताइए कि आप लोग ना भोजन के मुख्य तत्व पढ़ते हो, पढ़ते हो, कौन कौन से होते हैं? एक मिनट, एक एक बच्चा, पहला बताओ, विटामिन, वसा, प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कार्बन से बने हैं। तो इसका मतलब सब्जियां भी कार्बन से बनी है, क्योंकि ये सब चीज सब्जियों में ही तो होती है। अच्छा, सब लोगों ने घर में चावल पकाए, चावल पकाते हो, रोटी रोटी पकाते हो, जब रोटी सिक जाती है तो रंग उसका ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब उसमें है कार्बन। और कभी जल जाए तो, जल जाए तो पूरी काली हो जाती, इसका मतलब रोटी में भी कार्बन होता है, हमारे शरीर में कार्बन है। और एक साधारण सा एक और रूप जो हम कार्बन का देख सकते हैं वो ये है, ये क्या है? कोयला, कोयले में भी कार्बन है। ये कौन सा कोयला है? छू के देखो, लकड़ी का, जो प्रेस में जो लकड़ी का कोयला, मतलब इसको लकड़ी को जलाने से ये कोयला बना, और ये कार्बन है कि नहीं है? इसको भी अगर मैं किसी बुक पर ऐसे लाइन खींचूं तो ये भी खिंच जाएगी, इससे भी अगर मैं करूं, मतलब इसमें भी कार्बन होता है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, और आपने कार्बन कहाँ देखा है? नहीं बता सकते ना, लकड़ी में तो है, जल्दी सोच के बताओ, वो सब लड़कियां लगाती हैं उसको, काजल, काजल की पेंसिल देखी है, अपने आंखों में काजल डालते हो, वो काजल कैसे बनता है? देखो ये जैसे दिया है ना, दिए को जलाएं, लैंप को, उसके ऊपर कागज रख दें तो उसकी कालक निकलती है, और अगर उसको हम लोग जमा कर लें तो वो काजल बन, जो हम लोग आंखों में लगाते हैं। तो आप लोगों ने कार्बन के कई रूप आज देख लिए कि कार्बन स्वतंत्र रूप में भी रहता है, स्वतंत्र रूप में, जैसे ग्रेफाइट ये प्योर कार्बन है, और ये देखिए ये क्या है, क्या ये जो रोज हम लोग दवाई खाते हैं, है ना, तरह तरह की दवा खाते हो, बुखार की, पेट दर्द की, और ये क्या है? सेवलॉन, डिटॉल, इससे क्या करते हैं? घाव, घाव,
घाव को धोते हैं, हैं? और ये जो ये चीज है अब मुझे आप बताइए, हम कह रहे हैं कि ये गुलाबी दवा है, ये भी कार्बन, ये सफेद, ये भी कार्बन, ये तो ऑरेंज, ये भी कार्बन और ये काला भी कार्बन, तो ये कार्बन काला और ये कार्बन सफेद क्यों है? इसको मैंने बोला ये कार्बन है, ये सब लोग मान गए, हाँ ये तो है कार्बन काला है, ये पेंसिल की तरह निशान भी छोड़ता है, लेकिन हम तो चौक को भी कह रहे हैं कि कार्बन है। एक मिनट सब लोग सोचो, तुरंत कहा ना काजल कार्बन, पेंसिल कार्बन, कोयला कार्बन, आपने बोला चौक भी कार्बन, ये दवाइयां भी कार्बन, यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि ये मोमबत्ती भी कार्बन, जो ये है मोम ये भी कार्बन है, तो बताइए कैसे है ये, क्यों है कार्बन? ये शैम्पू है, ये तेल है, ये शैम्पू है, हम कहते हैं कि ये भी कार्बन से बना है, आप लोग बताइए ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? हाँ बताओ, वेरी गुड, इन सिट डाउन, किसी को इसका फॉर्मूला आता है? चौक को हम लोग रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं? चौक को हम रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, वेरी गुड, लेकिन इसका रासायनिक भाषा में नाम क्या है? हाँ बुक में से देख के बोल रही है, बोलो बोलो, सी ए थ्री, सी ए सी ओ थ्री, अब इसको पढ़ो, सी ए कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका? सब लोग बोलो, ये कार्बो वर्ड आ गया ना बीच में, कैल्शियम से तो कोई मतलब नहीं है हमको सी ए से, लेकिन ये कार्बो मतलब कार्बन, जहां भी जिस यौगिक में ये सी आ जाए उसका मतलब वो कार्बन से बना है। ये सारी दवाएं, शैम्पू, डिटॉल, जितनी भी चीजें हैं, इन सब में कार्बन के यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? कार्बन के यौगिक, यौगिक आप जानते हो ना, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है उसको हम यौगिक। अब जैसे ये है, ये दो से दो अधिक तत्वों से तो मिलके बना है, इसमें कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में भी कार्बन होता है। इसी तरह से जब डिटॉल में जो भी लिक्विड डाला गया है उसमें भी कार्बन के यौगिक हैं, इन दवाओं में भी कार्बन के यौगिक हैं, इसका मतलब कार्बन हमारे वातावरण में दो रूपों में पाया जाता है। कौन से दो रूप? कार्बन वातावरण में हमारे एटमॉस्फेयर में दो रूपों में पाया जाता है, कोई दो रूप बता सकता है? एक तो मुक्त अवस्था में फ्री कार्बन, जैसे धुआं उसमें कार्बन के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ग्रेफाइट प्योर कार्बन, जो डायमंड हीरा प्योर कार्बन होता है, कोयला भी ज्यादातर प्योर कार्बन, इसमें लेकिन कुछ दूसरा तत्व मिक्स हो सकता है, लेकिन इसमें भी 90% कार्बन होता है, है? कपड़ों में कपड़े जलते हैं तो काले तो हो जाते हैं, अगर हमारी चुन्नी में आग लग जाएगी या जल जाएगी तो काली हो जाएगी, कपड़े जलने के बाद काले ही होते हैं, कपड़े भी कार्बन के यौगिक हैं, केवल कार्बन नहीं है क्योंकि इसमें कलर अलग अलग है, तो ये कार्बन के यौगिकों से बना है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर मुक्त अवस्था में और यौगिक अवस्था। एक आपने देखा चूना पत्थर खड़िया संगमरमर, जो आप संगमरमर के फ्लोर देखते हो पत्थर, ताजमहल जिसका बना है उसमें भी कार्बन है। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने कभी घर में सोडा इस्तेमाल किया, खाने की सोडा, निर्मा, निर्मा किसने इस्तेमाल किया है? करते हैं, निर्मा में भी कार्बन, सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, देखो उसमें भी क्या नाम आया, बाई कार्बोनेट।
खाना खाने वाली सोडा में भी जिसको कि हम बेकिंग सोडा कहते हैं और कपड़े धोने वाली सोडा दोनों में कार्बन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बताइए जो आपको यौगिक अवस्था में दिखाई देते हैं, कार्बन के ऑक्साइड। अच्छा, सब लोग अपने अपने मुंह से सांस बाहर निकालो। कौन सी गैस बाहर आई? नाक से भी कर सकते थे, मुंह से भी कर सकते थे, है ना? लेकिन मैंने मुंह से इसीलिए निकलवाई है क्योंकि देखो क्या हथेली काली हुई हुई क्या? तो फिर हम तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे, तो वो तो काली होनी चाहिए थी नहीं, क्योंकि वो मुक्त कार्बन नहीं है, वो यौगिक है, और जो यौगिक होते हैं वो काले नहीं होते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अभी लगातार निकल रही है ना, सबकी सांसों से निकल रही है, निकल रही है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो कोई काला नहीं दिख रहा, लेकिन वो कार्बन है। मैं आप लोग को यही बात समझाना चाहती हूँ कि कोई जरूरी नहीं होता कि हर काली चीज कार्बन हो, कोई जरूरी नहीं होता है। नहीं, हर सफेद चीज में मतलब कार्बन है तो वो काले रंग की हो। मेरे समझाने के जैसे आपने कोयले को काला कहा, इसमें कार्बन है, लेकिन चौक सफेद है, इसको हम लोग कार्बन कह सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है इसके अंदर कार्बन है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड देखने में काली नहीं होती, लेकिन उसमें कार्बन होता है, लेकिन उसमें कार्बन होता है। इसी अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का मैं नाम नहीं लिखूंगी, मैं केवल उसका, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि हम लोग के वातावरण में कार्बन दो रूपों में पाया जाता है, एक तो मुक्त अवस्था में और दूसरा मुक्त अवस्था मतलब होता है फ्री, नेचर में फ्री कार्बन पार्टिकल्स, दूसरा होता है यौगिक। हमारे शरीर में सजीवों में जो कार्बन होता है वो किस रूप में होता है? मुक्त के यौगिक, बताइए। सजीवों में कार्बन यौगिक अवस्था में होता है। पहला पॉइंट आज हमने क्या सीखा? अगर हमारे मुक्त अवस्था में होता तो हमारा पूरा शरीर काला ना होता, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि सजीवों, पहला पॉइंट क्या है, में कार्बन यौगिक अवस्था में होता है। पहला पॉइंट वो पढ़िए, निर्जीव पदार्थों में जो कार्बन होता है, जैसे निर्जीव मतलब मरे हुए, मतलब जो चीज जिंदा नहीं है, जैसे मेज कुर्सी पंखा ये सब चीजें, इसमें दोनों रूपों में हो सकता है। कोई चीज खराब हो जाती है तो काली हो जाती है, कोई भी सब्जी पत्ती सड़ती है तो काली हो जाती है, तो वो जो कार्बन के यौगिक थे वो काले हो जाते हैं, अपने आप काले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निर्जीवों में कार्बन मुक्त एवं यौगिक दोनों रूपों में हो सकता है। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? अब हमने ये तो समझ लिया कि जो कार्बन है दो अवस्थाओं में हमारे चारों तरफ रहता है, एक मुक्त अवस्था और एक यौगिक अवस्था। आज हम इनकी जो मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति होती है ये किस तरह से हम लोगों के होती है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे।
ये सबने उतार लिया yes, कि कार्बन मुक्त और यौगिक दोनों में। अब हम आज यौगिक का नहीं बता रहे, आज हम मुक्त अवस्था में कार्बन कैसे रहता है उसके बारे में आपको बताएंगे। अच्छा, आप लोग सब लोग दवाओं को तो देख लिया, ये सब दवाएं हैं, लेकिन क्या इनको हमको अपने आप खा लेना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से ही दवाएं खानी चाहिए, नहीं तो ये कभी कभी उल्टा रिएक्शन भी कर जाती। मुक्त अवस्था में जो कार्बन होता है मतलब फ्री, इसमें कार्बन दो रूपों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आप लोगों ने सबने चीनी देखी है जो हम लोग चाय में डालते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं? चीनी के दाने को शक्कर तो कहते हैं, लेकिन रसायन की भाषा में या एक उसका लिए एक वर्ड होता है, शुगर नहीं। और सोचो, अब मैं लिखूंगी ना तब सबको समझ में आएगा। क्रिस्टलीय, देखो हमारे चारों तरफ दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो पाउडर, जैसे अगर मैं इसको पीस दूं जो मुंह पे लगाते हैं सफेद पाउडर, सब लोग टेलकम पाउडर लगाते हैं गर्मी में, एक तो वो पाउडर जैसे नमक है एकदम पतला पिसा हुआ, सोडा एकदम पिसी हुई, एक तो पाउडरी फॉर्म होता है और एक दानेदार होता है। दानेदार कौन सी चीज होती है? चीनी। तो उनको हम एक निश्चित अवस्था कहते हैं कि मतलब उसके दाने चौकोर होते हैं, किसी किसी के दाने लंबे भी होते हैं ना, साटरी और ये सब चीजें जो बाजार से कई तरह की। मोटा नमक खरीदा है, डेले वाला काला नमक, वो भी तो क्रिस्टल जैसा होता है। तो एक है क्रिस्टलीय, दूसरा है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, जो क्रिस्टलीय होता है ये दोनों रूप मैं आपको दिखा सकती हूँ। एक तो ये पेंसिल की नोक ग्रेफाइट, इसमें जो परमाणु या जो भी लेयर्स होती हैं उसके अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, और एक ये हीरा ग्रेफाइट और हीरा, इसमें कौन से रूप हो गए इनके? क्रिस्टलीय। ग्रेफाइट और हीरा इसके क्रिस्टलीय, मतलब इनके परमाणुओं की संरचना एक निश्चित होती है। और दूसरा अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय के चार रूप होते हैं, कितने? कौन कौन से? किसी को पता है? लकड़ी का कोयला, ये देखो ये क्या है, इसमें कोई क्रिस्टल्स नहीं है, इसमें कहीं क्रिस्टल्स नहीं, क्रिस्टलीय रूप नहीं है ये इसके। बोलिए, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला, जिससे कि नाम से ही पता चलता है कि ये लकड़ी को जलाकर बनता है। दूसरा जंतु चारकोल, मतलब जंतुओं से बनता है, मतलब जंतु के शरीर से तो बन नहीं सकता, उसकी हड्डियों को जलाने से बनता है। तीसरा शुगर चारकोल, किसी ने चीनी को जलाया है वो काली पड़ जाती है उससे। और चौथा लैंप ब्लैक या काजल, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, जो काजल पेंसिल आप लगाते हो या जो उंगली से आप आंखों में काजल डालते हो वो। काजल, लैंप ब्लैक, काजल या इसका लैंप ब्लैक। अब आपको समझ में आ गया कि कार्बन दो रूपों में, क्रिस्टलीय, और क्रिस्टलीय के कौन से रूप हैं? ग्रेफाइट और हीरा, और अक्रिस्टलीय के? लैंप ब्लैक या काजल। कल हम आपको इनकी परमाणु संरचना के बारे में बताएंगे कि इनके जो ग्रेफाइट और हीरा है इसमें कार्बन की कितनी संयोजकताएं हैं और ये कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले
आप सब बच्चे कार्बन के जो आज यौगिक मैंने बताए थे उनके नाम याद रखोगे, उनके फॉर्मूले याद करके आओगे, और जो ये मैंने आज पढ़ाया है कि कार्बन दो रूपों में होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, और ये सारा पहले मैं पूछूंगी, उसके बाद हम लोग